हेलो स्टूडेंट, यूट्यूब पर आपका स्वागत है। कहा है कि ईश कृपा बिन गुरु नहीं, गुरु बिना नहीं ज्ञान, और ज्ञान बिना आत्मा नहीं तो गावे ही वेद पुराण। इसलिए ज्ञान अर्जित करने के लिए आप गुरु की सानिध्य बनाइए और गुरु के बताए गए मार्ग का अनुसरण करते रहिए। चलो स्टार्ट करते हैं आज एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 4। बोर्ड पर क्वेश्चन नंबर 4 है आपका 6x² + 5x - 6। आपको इसके फैक्टर फाइंड करने हैं। फाइंड द फैक्टर, फैक्टर फाइंड करने का नियम मैंने आपको पहले वाली वीडियो में सॉल्व करा चुका हूं, लेकिन फिर क्वेश्चन नंबर 3rd और 4th इसमें रह गया था, इसको सॉल्व करा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 3rd है, देखिए 6x² + 5x - 6। प्रोसेस से आपको बताया कि सबसे पहले एक्स स्क्वायर कॉफिशेंट आपका है 6 और कॉन्स्टेंट वेरिएबल आपका 6 है, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करके यहाँ रख लेते हैं। 6 + 6 = 36। 6 का 6 में मल्टीप्लाई करेंगे 36। अब अपने दिमाग को दौड़ाना है, कल मैंने बताया था कैसे दौड़ाना है। ऐसे दो नंबर आप अपने माइंड से सोचिए, इनका मल्टीप्लाई करें 36 आ जाए। तो ऐसे दो नंबर कौन से हैं, इनका मल्टीप्लाई 36 और बीच में आपको लाना है 5, ये भी ध्यान रखना है। तो देखिए ऐसे नंबर दो हमारे पास 9 और 4 हैं। 9 और 4 = 36 और 9 में से 4 माइनस करेंगे तो 5 आ रहा है। जितना आना चाहिए इतना बीच में लिखा है, चाहे वो सब्ट्रैक्ट करने पर आए या ऐड करने पर आए। तो हमारा ऐड करने पर सब्ट्रैक्ट करने पर 5 आ रहा है। इसका मतलब ये हमारे 9 और 4 के फैक्टर जो हमने सोचे हैं, थिंकिंग किए हैं, ये करेक्ट हैं। 36 तो और भी आते हैं, देखो 6 + 6 = 36 होते हैं, और 12 + 3 = 36 होते हैं, और उसके बाद 18 + 2 = 36 होते हैं। लेकिन ये जो है हमारे इस कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहे हैं, इस कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा, इसका मतलब ये हम नहीं दे सकते। इसका मतलब हमारे 9 और 4 जो हमारे डिजिट हैं ये करेक्ट हैं और इसी से हमारे फैक्टर सही हो जाएंगे। चलिए 6x² अब इसके हम 2 पार्ट करते हैं। 2 पार्ट हमको मिल चुके हैं, क्या मिलेगा है 9 और 4, तो इसको लिखेंगे 9x + 9x - 4x, क्योंकि 9x में से 4x को माइनस करेंगे तभी हमारा 5x आएगा -6। यही आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन में फैक्टर करने का मेथड है, मिडिल टर्म के 2 पार्ट करके फैक्टर करना कहते हैं इसको। अब आइए कॉमन लीजिए, इन दोनों में आप जानते हो यहाँ 6 लिखा है, यहाँ पर 9 लिखा है, तो 6 और 9 ये दोनों 3 से डिवाइड हो रहे हैं। 3 से डिवाइड यानी एक नंबर से जब डिवाइड होते हैं तो वही नंबर कॉमन होता है, तो 3 कॉमन। अब वेरिएबल्स में एक्स यहाँ या एक्स स्क्वायर है तो एक्स भी डिवाइड हो रहा है, तो एक्स भी कॉमन है, कुल मिला के 3x कॉमन। 3x कॉमन लेने के बाद यहाँ से आपका 2x बचा प्लस, और यहाँ से आपका 3 बचा। 3 क्यों बचा, क्योंकि 3 से डिवाइड 9 में किया 3 बार, इसलिए। दूसरा मेथड समझिए, 3x का आप इस ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, 3x का आप इस ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करने पर यही नंबर आ जाएंगे और आना भी चाहिए। नहीं आ रहे तो समझ लो आपने मिस्टेक की, गलती की है कहीं। देखो मल्टीप्लाई करके बता रहा हूँ आपको, 3 × 2 = 6, एक्स का एक्स में एक्स स्क्वायर, 3x का 3 में 3 × 3 = 9x, ओके। अब आइए माइनस, अब यहाँ आपको मैंने कल बताया था फैक्टर का ये नियम, हर चीज़ को याद करिए स्टूडेंट, जो बताया जा रहा है उसको अच्छी तरह समझ लो, माइंड में बैठा लो। COVID-19 है, आपकी 2 साल बर्बाद हो चुकी हैं, अच्छी तरह समझिए किसी चीज़ को। मैंने आपको कल बताया था कि जो नंबर पहले वाले ब्रैकेट में आता है वही नंबर दूसरे वाले ब्रैकेट में आप पहले से ही लिख सकते हैं, 2x + 3 तो यहाँ आना ही है, तो फिर कॉमन क्या हुआ दोनों में से, इन दोनों में से कॉमन 2 क्यों हुआ, क्योंकि 2 से इसमें भी डिवाइड हो रहा है, 2 से इसमें भी डिवाइड हो रहा है। दूसरी बात, 2 यहाँ पर 2 के अलावा यदि कोई आप डिजिट लिखते हैं तो मल्टीप्लाई करने पर ये वाले नंबर आ ही नहीं सकते, इसलिए इसका मतलब दोनों में से 2 कॉमन। मल्टीप्लाई करके देख लो, 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6। अब आइए 2x + 3, 2x + 3 दोनों में से एक नंबर, और इस 3x को लिखेंगे -2 के साथ, 3x - 2, दैट इज योर आंसर, ओके क्लियर। आपकी डेफिनेटली समझ में आ गया होगा। अब चलिए इसके बाद इसका थर्ड पार्ट आपका कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद मैं आपको 4th पार्ट सॉल्व करा रहा हूँ, ओके।
फोर्थ पार्ट में आपको दिया है 3x² माइनस एक्स माइनस फोर। प्रोसेस वही है आपका, सबसे पहले 3 और 4 इसका मल्टीप्लाई कर दो, 3×4 = 12। ध्यान रखिए स्टूडेंट, मल्टीप्लाई हमेशा एक्स स्क्वायर कोफिशियंट और कॉस्टेंट टर्म का ही किया जाता है, ये ध्यान रखना विशेष। एक्स स्क्वायर कोफिशियंट यहाँ पर 3 है और कॉस्टेंट टर्म आपका 4 है, 3×4 = 12। अब आइए यहाँ बीच में कितना लाना है, 1। जब एक्स के पीछे कुछ नहीं लिखा है वहाँ पर 1 मान सकते हैं। अब आपको यहाँ सबट्रैक्ट करने पर या ऐड करने पर 1 लाना है, तो कुल मिला के दो नंबर हमारे पास 4 और 3 हैं, दो नंबर 4 और 3 हैं, 4 में से 3 माइनस करेंगे तो 1 आ रहा है। ओके, ऐड करने से 7 हो जाएगा, जबकि बीच में हमको ओनली 1 लाना है, तो 4 और 3 लेने से ये इक्वेशन के फैक्टर हमको करेक्ट फाइंड हो जाएंगे। देखिए 3x², अब माइनस का 1 कैसे आया, सबट्रैक्ट करने पर आया, तो हम माइनस का 1x लाना है तो बड़े नंबर को माइनस में लिखेंगे, माइनस का 4x, छोटे नंबर को प्लस में लिखेंगे, प्लस का 3x, माइनस 4, माइनस 4x प्लस का 3x को सिंप्लीफाई करते हैं तो माइनस 1x आ जाएगा। कॉमन लीजिए इन दोनों में, देखिए दोनों में क्या कॉमन है, नंबर में कोई कॉमन नहीं है। नंबर में कॉमन क्यों नहीं है, क्योंकि 3 और 4 हैं, 3 और 4 किसी नंबर से, किसी सेम नंबर, एक नंबर से डिवाइड नहीं हो सकते, इसका मतलब ओनली x कॉमन है, क्योंकि x तो दोनों में लिखा है। तो यहाँ से आपका 3x बचा, माइनस यहाँ से 4। अब वही नियम फॉलो कर दीजिए, 3x माइनस 4 इधर आ चुका है तो 3x माइनस 4 इस वाले ब्रैकेट में भी डेफिनेटली आएगा, तो फिर कॉमन दोनों में से क्या हुआ, 1 क्यों हुआ, 1 का ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं तो यही नंबर आ जाएगा। अब 3x माइनस 4 दोनों में से एक नंबर फिर कॉमन, 3x माइनस 4 और इस x को लिखेंगे प्लस 1 के साथ, दैट इज योर आंसर, न्यूमेरिकल आपका सॉल्व एंड कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 4th आपका कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर फाइव सॉल्व करते हैं, इसको क्लीन करने के बाद। क्वेश्चन नंबर 5 आपका 3 पावर वाला न्यूमेरिकल है। अब जब हाईएस्ट पावर 3 होती है किसी वेरिएबल्स की, तो उसके फैक्टर करने का प्रोसेस क्या है, इसका अलग प्रोसेस है स्टूडेंट। देखिए सबसे पहले मैं इसके फर्स्ट पार्ट को सॉल्व कर रहा हूँ, x³ - 2x² - x + 2। 3 वाले इक्वेशन को पावर 3 हो, हाईएस्ट पावर 3 हो, तो उसको कैसे सॉल्व किया जाता है, इसका मेथड देखिए। मेथड ये है कि सबसे पहले हम कोई 1 फैक्टर फाइंड करेंगे। 1 फैक्टर कैसे फाइंड करेंगे, क्या प्रोसेस है, क्या नियम है उसका, सबसे पहले हम x की वैल्यू 1 पुट करके देखेंगे। 1 से यदि ये 0 हो रहा है तो ओके, फैक्टर मिल गया हमको। यदि 1 से 0 नहीं हो रहा है हमारा फैक्टर, तो माइनस 1 पुट करेंगे। माइनस 1 से भी नहीं हो रहा है तो 2 पुट करेंगे। 2 से भी नहीं हो रहा है तो माइनस 2 पुट करेंगे। और ज़्यादा लंबा नहीं जाना पड़ता, 1, 2, 3 के बीच में फैक्टर हमको मिल जाता है। अब जाइए x के स्थान पर पहले 1 पुट कर रहा हूँ मैं, 1 का क्यूब माइनस 2 × x² मीन्स 1² माइनस x मीन्स 1 प्लस 2 1 का क्यूब 1 2 बन जा 2 माइनस 1 प्लस 2 प्लस 1 माइनस 1 माइनस 2 प्लस 2 आंसर क्या आ गया 0। x = 1 पुट करने से हमारा आंसर 0 आ रहा है। इसका मतलब वी कैन से कि x = 1 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। इसका मतलब x = 1 इस इक्वेशन का एक फैक्टर हुआ, यानी कुल मिला के x = 1 पुट करने पर हमको ये 0 मिला है। इसका मतलब हुआ कि x - 1 इस इक्वेशन का एक फैक्टर है, एक फैक्टर मिल गया। अब चूँकि हमको 3 फैक्टर फाइंड करने हैं कि हाईएस्ट पावर 3 है, तो उसके 3 फैक्टर फाइंड होंगे। अब 2 फैक्टर कैसे फाइंड होंगे, तो देखिए ये आप अच्छी तरह से इसको उतार लीजिए, समझ लीजिए, और 2 फैक्टर फाइंड करने के लिए अब क्या प्रोसेस है उसको और आगे देखिए। x = x - 1 हमको एक फैक्टर मिल चुका है, इसको आप अलग लिख लो। इस इक्वेशन का x - 1 हमको एक आंसर मिल चुका है। अब 2 आंसर और निकालने हैं, वो कैसे, उसका प्रोसेस क्या है, उसका प्रोसेस समझिए। उसका प्रोसेस है आपको x - 1 का इसमें आपको डिवाइड करना है, x³ - 2x² - x + 2।
सबसे पहले यहाँ पर एक्स क्यू लाना है, तो इस एक्स में कितने का मल्टीप्लाई करें कि एक्स क्यू आ जाए, तो इसमें एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर दीजिए। एक्स स्क्वायर का एक्स में मल्टीप्लाई करते हैं तो एक्स क्यू, एक्स स्क्वायर का माइनस वन में करते हैं तो माइनस का एक्स स्क्वायर, भैया माइनस ये प्लस ये कैंसिल हो गया, माइनस टू एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर, तो माइनस का वन एक्स स्क्वायर बचा, क्योंकि माइनस का नंबर बड़ा है, माइनस एक्स प्लस टू, ये माइनस साइन यहाँ पर आ गया, तो स्टूडेंट यहाँ भी माइनस ही लगाया जाएगा। अब आपको यहाँ वन एक्स स्क्वायर लाना है, तो इस एक्स में कितने का मल्टीप्लाई किया जाए, वन एक्स का, माइनस वन एक्स का एक्स में करेंगे तो माइनस का वन एक्स स्क्वायर, माइनस का माइनस में प्लस और एक्स का वन में करेंगे तो एक्स, ये प्लस ये माइनस ये कैंसिल, ये भी कैंसिल, सॉरी माइनस एक्स, माइनस एक्स माइनस एक्स, ये माइनस के टू एक्स हो गए प्लस टू। अब यहाँ माइनस है तो फिर यहाँ माइनस लगाएंगे, अब माइनस मल्टीप्लाई टू का करेंगे, माइनस टू का मल्टीप्लाई एक्स में करते हैं तो माइनस टू एक्स आएगा, माइनस टू का माइनस वन में मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस का टू, ये प्लस और ये माइनस, जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो नीचे साइन चेंज कर देते हैं, तो ये आपका माइनस प्लस कट गया, ये प्लस माइनस कट गया, क्या आ गया, ज़ीरो आ गया, ज़ीरो आ गया, और ये हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ से मिल गया है। अब इसके फैक्टर उसी प्रकार से करने हैं स्टूडेंट, जिस प्रकार से मैंने आपको क्वेश्चन नंबर फोर्थ में अभी सॉल्व कराया है, जस्ट देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस वन एक्स और माइनस टू, वही प्रोसेस, यहाँ पर वन मान लो, एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट कोई नहीं, यहाँ पर वन मान लो, वन का टू में मल्टीप्लाई टू। अब ऐसे दो नंबर सोचिए जिनका मल्टीप्लाई टू हो और बीच में वन लाना है, तो ऐसे दो नंबर हमारे पास टू और वन हैं, टू बन जा टू और टू में से वन माइनस करेंगे तो वन आ रहा है, तो इसका मतलब एक्स स्क्वायर माइनस वन एक्स, इसको लिखेंगे माइनस का टू एक्स और प्लस का वन एक्स, माइनस टू, इन दोनों में से आपका एक्स कॉमन है तो यहाँ से एक्स बचा माइनस टू बचा, प्लस दोनों में से वन कॉमन है तो एक्स माइनस टू, एक्स माइनस टू दोनों में से एक नंबर, और इस एक्स को लिखेंगे प्लस वन के साथ, और एक्स माइनस वन हम पहले ही फाइंड कर चुके हैं एक फैक्टर, ये तीनों ही फैक्टर हमारे फाइंड हो गए, दैट इज योर आंसर। स्टूडेंट यदि कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपका क्वेश्चन जो है फाइव कंप्लीट हो गया। आज के वीडियो में इतना ही, थैंक यू, जय जनेंद्र।